आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इंजीनियर्स कोच में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रेड ऑफ सीमेंट की और उसके यूज़ की, कि कौन से ग्रेड का सीमेंट कहाँ पे यूज़ होता है। तो नॉर्मली जो मार्केट में अवेलेबल ग्रेड है सीमेंट की, वो आती है 33 ग्रेड की, 43 ग्रेड की एंड 53 ग्रेड की। अब इसमें आप ये सोचते होंगे कि ये 33 क्या है, 43 क्या है एंड 53 क्या है। अगर ये चीज़ हम नॉर्मल लैंग्वेज में समझाएं तो हम ये कहेंगे कि जो 33 है, 43 है, 53 है, ये इसकी क्या स्ट्रेंथ को शो करती है, क्या इसकी स्ट्रेंथ। वही अगर हम इसको इंजीनियरिंग लैंग्वेज में कहें तो हम ये कहेंगे इसकी ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो इसमें ये 33 कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैसे होती है, इसमें प्रोसीजर क्या होता है ये चीज़ डिफ़ाइन करने का, क्या होता है, एक क्यूब लेते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड के हिसाब से एक क्यूब आता है जिसको आप मोल्ड भी कह सकते हो। मोल्ड ये खाली एक बॉक्स होता है जिसकी जो डायमेंशन होती है वो 70.6 mm की, मतलब तीनों साइड इसकी 70.6 mm की होती है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, सीमेंट प्लस सैंड प्लस वाटर बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने का प्रपोर्शन क्या होता है, 200 ग्राम आपकी सीमेंट होती है, 600 ग्राम आपकी सैंड होती है एंड 90 ग्राम वाटर होती है। तो हमें जिस भी सीमेंट का इसमें टेस्ट करना है, जैसे 33, 43 या 53, वो सीमेंट ले लेते हैं, फिर सैंड लेते हैं। सैंड में भी आपका तीन ग्रेड आ जाता है, ग्रेड 1, 2 एंड 3। ओके, इस सीमेंट का भी तीन ग्रेड होता है। तो इसको बढ़िया से हम लोग मिक्स करके इस बॉक्स में फिल कर देते हैं, इस मोल्ड में डाल देते हैं, बढ़िया से इसको कॉम्पैक्ट कर देते हैं, बढ़िया से इसकी फिनिशिंग कर देते हैं। इसमें ये चीज़ भी चेक कर लेते हैं, इसमें कोई भी वॉइड्स ना हो, कोई भी एयर प्रेजेंट ना हो। तो इसको बढ़िया से फिल करके इसके 9 क्यूब्स बना लेते हैं, 9 क्यूब्स हम लोग रेडी कर लेते हैं। 9 क्यूब रेडी करके इसको 24 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद इस बॉक्स को ओपन कर देते हैं, फिर हमें क्यूब मिल जाता है। क्यूब मिलने के बाद इसकी वाटर क्यूरिंग करते हैं, वाटर क्यूरिंग। तो वाटर क्यूरिंग के बाद अब क्या करते हैं, हमारे पास 9 क्यूब हैं, 9 क्यूब मतलब हम इसमें अब टेस्ट के लिए देंगे, तीन तीन करके 3 बार में ये क्यूब्स देंगे। जैसे जो पहले के 3 क्यूब होंगे वो 3 डेज पे चेक होंगे 33 ग्रेड सीमेंट के, और उसमें हमें मिलना चाहिए 16 newton per mm का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मिलना चाहिए। अब ये 16 newton per mm क्या है, इसको भी हम पहले थोड़ा सा समझा देते हैं। जैसे मान लो ये क्यूब है ये मोर्टार का, ठीक है, आपने रेडी कर लिया जो सीमेंट्स एंड वाटर का, ये आपने क्यूब बनाया है, ये आपके पास एक क्यूब है। अब इस पर हम कोई छोटा सा एरिया बना लें, ये मान लो छोटा सा एरिया बना लिए, ये 1 mm का है, 1 मिलीमीटर का हमने एरिया एक बना लिया, एक स्क्वायर बनाया जिसका जो डायमेंशन है 1 mm by 1 mm। अब इस पर अगर हम लोड डालते हैं 16 newton का, इस पर हम 16 newton का लोड इस पर डाल दिए हैं तो वो बियर कर लेगा। तो इसमें यही चीज़ शो कर रहा है कि 3 दिन में जो हमें स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मिलनी चाहिए, वो मिलनी चाहिए 16 newton per mm की। तो 33 ग्रेड में हमें 3 दिनों में इतना मिल जाता है, 16 newton per mm का स्ट्रेंथ मिल जाएगा। तो अब देखो टेस्ट कैसे करते हैं, जो भी हमने क्यूब बना के रखा है उसको कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन में डालते हैं, फिर उसी से हमें उसकी स्ट्रेंथ पता चलती है। 7 फिर बाकी का जो बचा 3 क्यूब वो 7 डेज में चेक करेंगे, तो 7 डेज में जब चेक करेंगे तो हमें 22 newton per mm मिल जाएगा। और सेम चीज़ बाकी के जो 3 क्यूब बचे हैं अब उनका टेस्ट करेंगे तो हमें ये 28 डेज में मिल जाएगा 33 newton per mm का। तो यही चीज़ है, ये 33 ग्रेड आपका ये ऐसे बन जा रहे हैं, मतलब 28 डेज में जो हमें स्ट्रेंथ मिलेगी उस सीमेंट की वो इसकी ग्रेड है। ये चीज़ समझ में आ गया। तो ये जो 33 ग्रेड की सीमेंट होती है ये कॉमनली यूज़ नहीं होती है, बहुत ही कम इस्तेमाल होती है। जो भी बिलो M20 ग्रेड की कंक्रीट रहती है, जैसे M20 से नीचे की जो भी कंक्रीट होगी उसमें इसका यूज़ करेंगे। नॉर्मल कंस्ट्रक्शन में जैसे हमें पैरापेट वॉल बनाना है, बाउंड्री वॉल बनाना है या फिर प्लेन सीमेंट कंक्रीट करना है तो वहाँ पे इसका यूज़ होता है, मतलब ये कॉमनली यूज़ नहीं होता है। जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो है 43 ग्रेड का सीमेंट, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। अब इसमें क्या होता है, सेम प्रोसीजर ये हम लोग क्यूब्स बनाते हैं 43 ग्रेड के लिए भी,
तो 43 ग्रेड के सीमेंट में हमें पहले 3 दिन में कितनी स्ट्रेंथ मिल जाती है? 30 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर की। वही सेम प्रोसीजर्स, हम 9 क्यूब बना लेंगे, उसको 24 आवर्स के लिए छोड़ेंगे, वाटर क्यूरिंग करेंगे, फिर पहले जो 3 क्यूब होंगे 3 डेज में चेक करेंगे तो 23 न्यूटन पर एमएम की स्ट्रेंथ हमें मिल जाती है। बाकी के बचे 7 डेज में हमें यह मिल जाएगी 33 न्यूटन पर एमएम की, और 28 डेज पर हमें मिलती है 43 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर की स्ट्रेंथ, जो कि ये कहलाती है 43 ग्रेड की सीमेंट है। तो मीन्स ये 28 डेज पे जो स्ट्रेंथ मिल रही है ये वही चीज़ है, 43 ग्रेड की सीमेंट। ओके, अब इस 43 ग्रेड का यूज़ क्या है? 43 ग्रेड का यूज़ हम जो भी कंक्रीट आती है M20 से लेके M30 तक की जो भी कंक्रीट आती है तो हम उस सारे में यूज़ कर सकते हैं। कोई भी स्ट्रक्चर हो, चाहे वो RCC का हो, प्लेन सीमेंट का हो, चाहे वो ब्रिक वर्क हो, चाहे प्लास्टर वर्क हो, मींस ये हर काम में आपके ये सीमेंट आ जाएगी 43 ग्रेड की, और ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली सीमेंट है इस OPC ग्रेड में। ओके, फिर आती है आपकी 53 ग्रेड की सीमेंट। अब जो 53 ग्रेड की सीमेंट है तो जो उसका हम लोग क्यूब टेस्ट करेंगे 3 दिनों पर, मतलब जो पहले 3 क्यूब होंगे उसका जो टेस्ट करेंगे वो हमें 27 न्यूटन पर एमएम का स्ट्रेंथ दे देगा। बाकी 7 दिनों पर चेक करेंगे तो ये 37 का मिल जाएगा, और वही 28 डेज पर चेक करेंगे तो ये हमें 53 न्यूटन पर एमएम का स्ट्रेंथ दे देगा। और इसके यूज़ की बात करें तो जो भी कंक्रीट ग्रेड एबव M30 के ऊपर की जो भी कंक्रीट की ग्रेड होगी उसमें इसका इस्तेमाल होता है। नॉर्मली देखो, जो कॉमनली यूज़ होने वाली सीमेंट है वो 2 टाइप की सीमेंट है। एक है पोर्टलैंड पोजोलोना सीमेंट, एक आती है ऑर्डनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना, ये जो ऑर्डनरी पोर्टलैंड सीमेंट है इस सीमेंट की ही 3 ग्रेड आती है। ऑर्डनरी पोर्टलैंड सीमेंट की ही 3 ग्रेड आती है, जो कि 33, 43 एंड 53 होती है। अब ये जो पोर्टलैंड पोजोलोना सीमेंट है PPC, इसकी कोई भी ग्रेड नहीं आती है, ये सिंगल एक ही ग्रेड की होती है। तो नॉर्मली जो भी घर के कंस्ट्रक्शन होते हैं, जो भी नॉर्मल कंस्ट्रक्शन होते हैं, वो मोस्ट कॉमनली यूज़ क्या होता है, PPC सीमेंट का यूज़ होता है। OPC सीमेंट का यूज़ बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स पे, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स पे इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि हम लोग को इसमें अर्ली डेज में हायर स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, जिससे कंस्ट्रक्शन को बूस्ट अप कर सके, कंस्ट्रक्शन को फास्ट कर सके। और इसमें जो क्यूरिंग होती है एज़ कम्पेयर टू PPC, OPC में इसकी क्यूरिंग डेज भी कम होती है। इस टॉपिक पे PPC सीमेंट और OPC सीमेंट में क्या डिफरेंस है, इस पे हमने एक डिटेल वीडियो बना रखा है। और ये वीडियो से अगर आपने कुछ सीखा हो, ये वीडियो आपको पसंद आई हो, तो ये वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और भी ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन होगा आपके, कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और भी किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।